थाना अरनौटा क्षेत्र में दुकान से कुर्सी मेज उठाकर ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। दुकानदार के बेटे ने आरोप लगाया है कि चौकी इंचार्ज आए दिन दुकान बंद करने की धमकी देते चले आ रहे हैं। सोमवार को दरोगा जी आए और कुर्सी मेज उठाकर ले गए। थाना अरनौटा क्षेत्र में मिष्ठान विक्रेता को चौकी इंचार्ज दुकान बंद करने की धमकी देते चले आ रहे हैं। दिन में कई बार दुकान पर पहुंचकर धमकी दे रहे हैं। दुकान स्वामी के बेटे सचिन का कहना है कि सोमवार को चौकी इंचार्ज दुकान पर आया और गाली गलौज कर दुकान बंद करने को कहा। इसके बाद दुकान के बाहर रखी कुर्सी मेज उठा कर ले गए। यहाँ मैं अपने दुकान पे हूँ, अपने जीजाजी की दुकान पे। मैं और मेरा भाई दुकान चलाता है नाश्ता की और मिठाई की। तो क्या हुआ, यहाँ पे चौकी इंचार्ज नहीं आए हुए हैं। तीन चार दिन से हमारे पास आ रहे हैं, दिन में दो बार। तो हमको गालियां भी देते हैं, बोलते हैं यहाँ से दुकान हटाओ, मैं तो चालान काट दूंगा। चौकी इंचार्ज पुलिस कर्मियों के किस तरह आते हैं और कुर्सी मेज उठाकर ले जाते हैं, ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस के उत्पीड़न से दुकान स्वामी परेशान है। कुर्सी मेज उठाकर ले जाने पर पुलिस का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए कुर्सी मेज उठाई गई है। आज मैं दुकान पर रहता हूँ पापा के साथ। पापा का तो जिला बदल है, वो आज ब्रेंच और कुर्सी उठा ले गया। कौन ले गए? यहाँ पर चौकी इंचार्ज। क्यों ले गए? पता ही नहीं, ये धमकी देते हैं, गाली देते हैं और ये कहते हैं कि तू हटा दुकान अपनी बंद कर, चालान काट दूंगा। ये कहते हैं टेबल लेके कुर्सी चाल। अरनौटा चौराहे पर सचिन के पिता की मिठाई और नाश्ते की दुकान है। सचिन पिता के साथ दुकान पर बैठता है। सचिन का कहना है कि चौकी इंचार्ज कई दिन से धमकी देते चले आ रहे थे। सोमवार को पुलिस कर्मियों के साथ आए और चार कुर्सी और मेज उठा कर ले गए। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।